हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिवीजन के बारे में सीखेंगे। अगर डिविडेंड टू डिजिट नंबर होता है तो कैसे डिवाइड करते हैं। इफ डिविडेंड इज अ टू डिजिट नंबर देन, डिविडेंड में टू डिजिट नंबर होता है तो डिवाइड कैसे करते हैं। फर्स्ट चेक इफ टेंस डिजिट इज इन द डिविडेंड इज स्मॉलर देन द डिवाइजर। फर्स्ट चेक If tens digit in the dividend is smaller than the divisor, सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो टू डिजिट नंबर हमारे को दिया है डिविडेंड में, उसमें जो टेंस की प्लेस में नंबर है वो डिवाइजर से छोटा है या बड़ा है। सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पर देखो तो ये हमें दिया है 18 डिवाइडेड बाई 2। अब 18 नंबर के अंदर वंस की प्लेस में क्या है, 8 है। टेंस की प्लेस में क्या है, 1 है। 1 इज स्मॉलर देन 2। इफ दिस इज द केस, इफ द टेंस की प्लेस में जो नंबर है वो डिवाइजर से छोटा है तो सिंपल डिविजन करते हैं। एंड कोशियंट विल ऑलवेज बी बिटवीन 1 to 9। ये जो कोशियंट आएगा ये हमेशा 1 to 9 के बीच में आएगा, 9 से ऊपर नहीं जाएगा अगर ये नंबर टेंस का नंबर डिवाइजर से छोटा है। नाउ लेट मी टेल यू, 2 9s are 18, राइट? दिस इज सिंपल एडिशन। समझ में आया? आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल नाउ। एटीन डिवाइडेड बाय 3। 3 से अगर हमने 18 को डिवाइड करना है तो अगेन हमने देखना है कि वंस की प्लेस में क्या है, 8 है। टेंस की प्लेस में क्या है, 1 है। तो टेंस की प्लेस में जो नंबर है 1, दिस इज 1 इज स्मॉलर देन 3। तो अगर 1 इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, टेंस की प्लेस में जो नंबर है वो डिवाइजर से छोटा है, तो रेगुलर सिंपल डिवीजन होगा, 3 6 are 18 एंड फिनिश। ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। ध्यान से देखो, देखना ये है हमने कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड के अंदर टेंस की प्लेस में जो नंबर है वो डिवाइजर से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो रेगुलर डिविजन करना है, नॉर्मल डिविजन करते हैं। अभी देखो 24 2 4 24, इसको अगर हमने डिवाइड करना है 4 के साथ, तो अभी हम क्या चेक करेंगे, ये वंस की प्लेस में क्या है, 4 है। टेंस की प्लेस में क्या है, टेंस की प्लेस में 2 है। 2 इज स्मॉलर देन 4, राइट? ये तो हमें पता है। तो 2 अगर डिवाइजर से छोटा है ये टेंस का, तो 4 6 are 24, नॉर्मल डिविजन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? हमने चेक क्या करना है, टेंस की प्लेस चेक करनी है। अगर टेंस की प्लेस में जो नंबर है वो डिवाइजर से छोटा है तो रेगुलर डिवीजन होगा, नॉर्मल डिवीजन हो जाएगा। लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल, ठीक है? देखो ध्यान से, 54 नंबर डिवाइडेड बाय 9। 9 से अगर हमने डिवाइड करना है, हम अभी क्या चेक करेंगे, मैंने क्या बोला, हम वंस का चेक नहीं करेंगे, हम टेंस का चेक करेंगे। टेंस की प्लेस में क्या है, 5 है। सो 5 इज अगेन स्मॉलर देन 9। 5 इज स्मॉलर देन 9, तो क्या होगा, रेगुलर डिवीजन हो जाएगा, 9 6 are 54। सो वेन एवर द टेंस की प्लेस का नंबर इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, इट विल बी अ रेगुलर डिवीजन। ये चीज अभी आप ध्यान रखना। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूंगा, उसके अंदर टेंस की प्लेस में जो नंबर होगा वो डिवाइजर के इक्वल होगा या डिवाइजर से बड़ा होगा। तो जब डिवाइजर के इक्वल होगा या डिवाइजर से बड़ा होगा तो कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट ये वीडियो अगर अभी आप ध्यान से देखो कि हमने चेक क्या करना है, टेंस की प्लेस का नंबर चेक करना है। टेंस की प्लेस का नंबर अगर डिवाइजर से छोटा है तो रेगुलर डिविजन होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।